नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था 250 का, जिसमें से हमने तीन वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, यह चौथा वीडियो है। तो जिन लोगों ने तीन वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 91 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाई हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? ऑप्शन है टैप्स, ड्रिल्स, टर्निंग टूल, रिमर्स। तो 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके कटिंग टूल को टेम्पर किया जाता है, वह रहता है आपका टर्निंग टूल, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा टर्निंग टूल। 92 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन स्टील। स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, टू डेवलप हाई हार्डनेस, टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डी है टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस। तो स्टील में जो नॉर्मलाइजिंग की जाती है उसका मेन उद्देश्य रहता है कि टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल और विकृति को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेस को दूर करने के लिए किया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? ऑप्शन है अनिलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियरिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, वह रहता है आपका हार्डनिंग, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हार्डनिंग। हार्डनिंग से स्टील का वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनिलिंग। अनिलिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है टू सॉफ्टन द स्टील, बी है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, सी है टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, डी है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो अनिलिंग का जो मेन उद्देश्य रहता है उसका रहता है कि स्टील को नरम बनाने के लिए अनिलिंग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा टू सॉफ्टन द स्टील। 95 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर। स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, रेज द हेड विड्थ, प्रोवाइड लीक प्रूफ ज्वाइंट, डी है प्रोवाइड एक्सेस फॉर टूल्स। तो स्क्वायर हेड स्क्रू में जो कलर प्रदान किया जाता है उसका उद्देश्य रहता है कि कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू में कलर प्रदान किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है चेक द होल विथ परफेक्ट फिट, चेक द इनसाइड थ्रेडेड डाया, सी है चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट, डी है चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डाया। तो टेपर प्लग गेज का जो उद्देश्य रहता है उसका रहता है कि चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करने के लिए टेपर प्लग गेज का यूज किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग गेज। एडजस्टेबल रिंग गेज में स्लॉट क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है फॉर लुब्रिकेशन, परमिट क्लियरेंस, फॉर एक्सपेंशन, परमिट फिटिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड। तो एडजस्टेबल रिंग में लैप में जो स्लॉट दिया जाता है उसका मेन उद्देश्य यह होता है कि लैपिंग कंपाउंड की फिटिंग की अनुमति देने के लिए किया जाता है, स्लॉट दिया जाता है। तो एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि लैपिंग कंपाउंड में फिटिंग दिया जा सके। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा है? ऑप्शन है डायमंड, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जिस अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा भी होता है वह है आपका बोरान कार्बाइड, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बोरान कार्बाइड। 99 नंबर क्वेश्चन है कि लैपिंग क्या है। ऑप्शन है फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चीजलिंग ऑपरेशन, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन।
तो लैपिंग का है आपका एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। सौ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल, ये जो आपको लैप टूल दिख रहा है इस लैप टूल का नाम क्या है। ऑप्शन है देखिए, जो लैप टूल दिख रहा है इस लैप टूल का नाम है स्प्लिट बुश लैप, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा स्प्लिट बुश लैप। 101 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। व्हाट इज द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। तो लीड निकालने का जो फार्मूला होता है वह रहता है कि पिच गुड़े नंबर ऑफ स्टार्ट, पिच गुड़े स्टार्टों की संख्या इक्वल टू होता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड के लीड। 102 नंबर क्वेश्चन है कि जो इस स्क्रू का प्रकार क्या है, जो फिगर दिख रहा है ये कौन सा स्क्रू है आपको बताना है। ये जो है आपका कहलाता है ग्रैब स्क्रू, जिसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रैब स्क्रू का ये फिगर दिख रहा है आपको। 103 नंबर क्वेश्चन है कि इस नट का नाम क्या है, ये जो फिगर दिख रहा है ये कौन सा नट है, यह कहलाता है आपका कैसल नट, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कैसल नट, जो कैसल नट का फिगर है। 104 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नट, ये जो नट दिख रहा है ये कौन सा नट है, यह जो नट है यह कहलाता है आपका हेक्सागोनल नट, आपको भी पता होगा इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा हेक्सागोनल नट है यह। 105 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, ये जो टूल दिख रहा है इस टूल का नाम क्या है, तो इस टूल का नाम है ऑप्शन है फेस रिंच हुक स्पैनर, फेस पिन रिंच, तो ये जो है ये आपका कहलाता है हुक स्पैनर, यानी हुक रिंच कहलाता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा हुक स्पैनर। 106 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू, ये जो स्क्रू दिख रहा है इस स्क्रू का नाम क्या है आपको बताना है, तो यह है जो स्क्रू है यह है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, जिसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। 107 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ वन सेफ एज, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है। ऑप्शन है ड्रेड नॉट फाइल, पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, तो वह फाइल जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है वह है आपका पिलर फाइल, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा पिलर फाइल। 108 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल हैज डबल कट ऑन फेस एंड सिंगल कट एट एज, किस फाइल में फेस पर डबल कट और, तो फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है वह फाइल होता है आपका वर्डिंग फाइल, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा वर्डिंग फाइल, वर्डिंग फाइल पर सरफेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, ये जो फाइल दिख रहा है इस फाइल का नाम क्या है, ऑप्शन है आपके सामने पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, ड्रेड नॉट फाइल, तो ये जो फिगर है यह कहलाता है आपका स्विस पैटर्न फाइल, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा स्विस पैटर्न फाइल। 110 नंबर क्वेश्चन है कि इस गेज का नाम क्या है, तो ये जो गेज है यह है आपका थ्रेड रिंग गेज, यह पहले भी वीडियो में हो चुका है, यह है आपका थ्रेड रिंग गेज। 110 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। 111 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, ये जो गेज दिख रहा है इस गेज का नाम क्या है, यह है आपका स्नैप गेज, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा स्नैप गेज। 112 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो ड्रिल गेज का उपयोग रहता है कि ड्रिल के व्यास की जांच करना,
यानी कि चेक द डायमीटर ऑफ ड्रिल। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ड्रिल के व्यास को जांच करने के लिए ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। ये जो फिगर है, इस फिगर में यक्स क्या बता रहा है आपको बताना है। तो ये जो फिगर क्या है बता रहा है कि ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये दोनों के बीच का टोटल ये लंबाई है, तो ये लेंथ बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लेंथ। कह रहे चिन्हित भाग में यक्ष क्या बता रहा है, ये जो यक्ष है ये यक्ष क्या बता रहा है, यह बताता है स्लिप गेज की ऊंचाई को बता रहा है। तो इसका यह आंसर हो जाएगा स्लिप गेज की ऊंचाई को बता रहा है यक्ष। 115 नंबर क्वेश्चन है कि इस गेज का नाम क्या है जो दिख रहा है फिगर में, इस गेज का नाम बताना है आपको। ये गेज कहलाता है आपका सेंटर गेज, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा सेंटर गेज। सेंटर गेज सही ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जो फिगर दिख रहा है ये कौन सा गेज है। ऑप्शन है सेंटर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज, स्नैप गेज। यह है आपका स्क्रू पिच गेज। इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा स्क्रू पिच गेज। एक सौ 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज, ये जो गेज दिख रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो ये जो गेज दिख रहा है इसका नाम है कि एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो गेज दिख रहा है इस गेज का नाम क्या है आपको बताना है। तो ये जो गेज दिख रहा है इस गेज का नाम है डबल इंडेड प्लग गेज, डबल इंडेड प्लग गेज। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ये फिगर में यक्स क्या बता रहा है आपको बताना है। इस फिगर में यक्स क्या बता रहा है आपको बताना है। ऑप्शन है डबल इंडेड प्लग गेज, नो गो। बी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये जो फिगर है ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज का है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। तो इसका बी ऑप्शन से जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो सिरा है ये। 120 नंबर क्वेश्चन है ये जो फिगर दिख रहा है इस गेज का नाम क्या है। इस गेज का नाम है टेपर प्लग गेज, जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा टेपर प्लग गेज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।